शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी जी, आप क्या कर रहे हो? और इंसान नहीं है, डायन है। डायन और राठौर परिवार ने हर डायन की एक ही सजाते की हो है अग्नि समर्पण। इस डायन को भी जीते जी अग्नि में समर्पण किया जाएगा। तरप के लिए के अभी तक तो आसमान साफ था, ये अचानक बिजली कैसे चमकने लगी? आज ये बिजली चमकेगी नहीं, गिरेगी भी। हे प्रभु, रक्षिणी के नाम का ये दिया जलाया है, जल्द से जल्द उसे मेरे बेटे की जिंदगी में भेज दीजिए। कहाँ थे आप? देर कैसे हो गई? अरे वो किशन से मिलने गए थे। पर हमने तो किशन को फोन करके पूछा था, वो बोला आप नहीं हैं। हाँ तो तब तक वहां से निकल चुके थे ना। अरे तुमने अब तक खाना नहीं खाया? हाँ शिवानी, तुम भी ना ध्यान रखा करो अपना। आपके खाने से पहले कभी खाया है हमने खाना? आप यही रुकिए, हम खाना गर्म करके लाते हैं। अरे वो हम किशन के वहां खा के आ गए हैं, तुम खा लो। दादी ने अगर तुम्हें खाना बनाते हुए देख लिया ना तो हम तीनों की सुताई कर देंगी वो। अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा दी, ये मेरे पराठों का क्रेडिट और दादी का आशीर्वाद, दोनों आप तीनों ले लेना। पर तुम आलू और प्याज के पराठे बना रहे हो और पापा जी को गोभी के पराठे पसंद है और तुमको मटर के पसंद है और वो जो बंदर है ध्रुव, वो तो घी के पराठे खाता ही नहीं है। हाँ लेकिन आप तीनों को तो घी में सिके हुए आलू प्याज के पराठे पसंद है ना। हमें? हाँ कल से देख रहे, आप तीनों का मूड थोड़ा ऑफ सा है और जब मूड खराब हो तो अपना फेवरेट फूड खाना चाहिए। हाँ इस घर की लेडीज को सबकी पसंद याद है लेकिन अपनी पसंद याद ही नहीं है। तुमको तो याद है ना हमारी पसंद। और हमारा भाई खाना भी इतना अच्छा बनाता है।
किरण की तो लॉटरी लग गई। किरण? ये किरण कौन है? हाँ भाभी, वो मेरे साथ कॉलेज में थी, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये तो किरण बड़ी लकी है, वरना हमारे यहाँ तो आपके अलावा मर्दों को पानी उबालना तक नहीं आता। वैसे देवर जी, आपने हमें क्यों नहीं बताया किरण के बारे में? भाभी एक्चुअली वो क्या, तो आप भाई बहन हमें अपने जैसा नहीं मानते, क्या फिर डरते हो कि हम दादी को बता देंगे, है ना? एक्चुअली आपके दोनों ही गैस गलत है। मैं आपको और भैया को ना साथ में बताना चाहता था, लेकिन आप हमें तो बता देंगे, लेकिन दादी को कब बताओगे? नाश्ते का समय हो गया है। बहू के हाथ में पौनी हो ना हो, पर सर पे पल्लू जरूर होना चाहिए रेखा बहू। जी दादी, हम पौनी भी पकड़ लेते हैं। आप चलिए, हम नाश्ता लगाने वाले थे। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रसोई में लड़कों का क्या काम? जाओ, जाकर बाहर बैठो। जी दादी। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, तुम लोगों का हाथ बंटवाने इस घर में नई बहू आ रही है। बहू? विक्रम क्या सारी उम्र कुंवारा बैठा रहेगा? उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं। देवर जी के किरण का क्या होगा? होगा क्या होगा, किरण और विक्रम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें कैसे भी करके उन्हें मिलाना ही होगा। शिवानी दी, उन दोनों को अगर घर से भगाना होता ना तो मैं पक्का मदद करती, पर उन दोनों के बारे में दादी से बात करनी है। हम तीनों में से कौन करेगा? गुड मॉर्निंग लेडीज। भाभी जान, नाश्ते में वाओ गाइस, क्या खुशबू आ रही है। मतलब कोई जोक मारा क्या? घी के पराठे। घी के पराठे? अब तो सब हो गया ना धरोहर जी? अरे मनोहर जी, मनोहर जी, मनोहर जी, आप पैसे कब तक मिलेंगे? बस ये मैं राठौर साहब को फाइल दे दूंगा, बस वो आपको पैसे भिजवा देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम। आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए, ये घर भी बिक गया और पैसे भी आने वाले हैं। बहू चंपा से जिंदगी भर के लिए पीछा छूटा। बहुत दुख रहा है, हमें कुछ याद नहीं, कल रात क्या हुआ? हमारा शरीर तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बदन पे किसी ने आग लगा दी। पानी, पानी। एजी। Thank you.
वैसे कुछ जोड़ियां बिल्कुल मेड इन हेवन होती है ना दादी, जैसे ये आलू का पराठा और अचार, जैसे पुलाव और रायता, आए 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 आए, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, क्यों है ना? हाँ? इनको तो देखकर लगता है कि इनकी शादी करवा देनी चाहिए, क्यों भैया है ना? लव सम अरेंज मैरिज, सी हाउ जीनियस आई एम राइट? वैसे दादी हमारे घर में किसी की लव मैरिज हुई है? हम राजे रजवाड़ो के खानदान से हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग समझदारी से अपनी बराबरी में रिश्ता तय करते हैं। हमारे खानदान में ना कभी प्रेम विवाह हुआ है और ना ही होगा। दादी अब तो समय बदल गया है ना? समय बदल गया है, संस्कार नहीं। पर वो शादी में प्यार भी तो जरूरी है। जरूरी जरूरी, हमारी परंपराएं प्यार से ज्यादा जरूरी हैं, और हमारी परंपराओं में लड़की शादी के बाद पति के साथ अकेली नहीं पूरे परिवार के साथ रहती है, इसलिए बहू चुनने का फैसला घर के बड़े लोगों का होता है, है ना विक्रम? बिल्कुल सही बात है दादी। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, नहीं? भैया आप तो एकदम ना एकदम संस्कारों की मूरत निकले, सीख कर आए हो कॉलेज में, इतने दूर रहे फिर भी एकदम हो, संस्कार आपके एकदम अटल है। दादी आपने भैया के लिए एक लड़की पसंद की थी ना? मेरे लिए? हाँ, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, बहुत अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए हैं, उसमें से 3-4 रिश्ते चुने हैं, कोई पसंद कर लेना। पर दादी वो विक्रम तो चिंता मत कर, हमें तेरी पसंद अच्छी तरह पता है। मां एक्चुअली मैं ऑलरेडी ऑलरेडी एक लड़की को पसंद करता हूँ। आपका लाडला घर से दूर ही ठीक था, अब घर का चिराग घर के बनाए गए नियम और कानून के विरुद्ध आग लगाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? घर के चिराग तो तुम भी हो, काहे हर वक्त आग लगाए रहते हो?
तुम्हारे साथ पढ़ती है? जी दादी, बहुत अच्छी लड़की है। होगी, हमें एक लड़की नहीं चाहिए, इस खानदान के लिए एक बहू चाहिए। एक पढ़ी लिखी लड़की एक गीली लकड़ी के समान होती है, जिससे चूल्हा नहीं चलता, सिर्फ धुआं उठता है। जो लड़की शादी से पहले अपना मन ना संभाल पाई, वो शादी के बाद इस खानदान की मर्यादाएं कैसे संभाल पाएगी? इसलिए प्यार व्यार सिर्फ वहम है, मिटा दो उसे, भूल जाओ उसे। क्या हुआ, ये दादी और उसकी सोच पुरानी लगने लग गई? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं। परसों पुरानी बात है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। जहां तू खड़ा है, कल वहां तेरे पिता खड़े थे। उन्हें भी एक लड़की से प्यार हुआ था, उसके बाद क्या हुआ ये तू भी जानता है और हम सब जानते हैं। तेरी माँ ने अपना सुहाग खोया, तूने अपने पिता और हमने अपना बेटा। जिस राह पर चलकर परिवार बर्बाद हो, उस राह पर मत चल बेटा। उस दिन के बाद हमने कसम खाई थी कि आज जो भी कुछ हुआ है वो फिर कभी आगे नहीं होगा। हम फिर कभी किसी को इस तरह नहीं खोएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने परिवार को छोड़ कर रखा है, अब तू इसे बर्बाद करने की बात मत कर। माँ जी। दादी, माँ जी दरवाजा खोलिए। दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दरवाजा खोलिए। अम्मा दरवाजा खोलो। दादी मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता। आपका बेटा तो नहीं रहा, लेकिन उस डायन का साया अभी भी आपके पोते पर है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। उपाय नहीं, कवच है। इस बच्चे की रक्षा करने वाली रक्षिणी जल्द ही जन्म लेगी। अपने पोते को बचाना चाहती हो तो ढूंढो उस रक्षिणी को। आगे जाकर उस रक्षिणी और विक्रम का विवाह ही इस बच्चे पर पड़े हुए दायन के साए को काटेगा। तुम कहां हो रक्षिणी? अगर उन लोगों ने हमें सच में जला दिया तो फिर हम जिंदा कैसे?
तारा, 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 तार कोई है? कौन है वहां पे? कोई नहीं आता। हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। आप लोगों ने हमें बचाया, लेकिन आप लोग हैं कौन? डायन, इतने साल बाद आई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? राठौर परिवार तुम्हारा गुनहगार। और तारा की मौत का जिम्मेदार भी। बदले की आग दिल में लिए, मैंने इस पर रखा चंपा ने कदम। तुम यहाँ क्या कर रही हो?